ना मालूम क्या कारण है जो मेरा पाया से बार बार पड़क रहा है। मुझे तो कुछ अवंगा दिखाई दे रहा है। जो सदा मंगल के भाव है उन्हें अमंगल का भय कैसा। मेरा तो संग्राम हो चुका आज लक्ष्मण का नहीं, लक्ष्मण के चार चांद राम का भी अंत हो गया। अब सैनिकों का बलिदान कराने से कोई राहत नहीं। हाँ, तुम तो मुझसे हुए क्यों यह ऐसा बात हुआ। सब उन पर उसका बात हुआ, जब राम नहीं तो विजय कहा, जब विजय नहीं तो सिया कहा, जब सिया नहीं तो सुख समय कहा। इसका तो रण सीता पर था। यदि आज्ञा हो तो मैं चंद्रमा से कपड़े के समान निचोड़ कर उससे अमृत निकालता हूँ, अथवा पाताल में अमृत की रक्षा करने वाले सबको को मार कर अमृत कुंड को भूमि पर उठा लाऊं, अथवा इससे भी काम न चले तो भुवन कोष को फोड़ कर सूर्य को बाहर निकाल लाऊं जिसे प्रातः काल ही न होने पाए। यदि आज्ञा हो तो मैं मृत्यु को मूसक के समान पठार पठार का समाप्त कर दूं जिससे किसी का मरने का भय न रहे। भगवान आज्ञा दीजिए, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। श्याम रुद्र अवतार पर जाएंगे, श्याम और भगवान की लीला देखो। लंका में कुबेर नाम का एक राजा बैठा है और उसके पास मूर्छा दूर करने की औषधि जानता है। वह बड़ा सज्जन और धर्म परायण चिकित्सक है। उसे बुलवाली अंजनी नंदन, तुम शीघ्र जाओ और जैसी भी अवस्था में हो वैसे राजकुमार निभा कर जाओ। जैसी आज्ञा हो। जय श्री राम। Thank you.
बहाने मुझे बधाई दे रहे हैं। अच्छा भगवान, जैसी आपकी आत्मा राम पदार बिंद सिर नायो आयु सुखे हे कहा नाम गिरि औषधि जाओ पवन सुख ले। पर्वत में हो, सागर में हो, लाएगा दास उसे, दैवों कृपा।